मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कोर्ट में ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण के लिए मजबूती से पक्ष रखने के लिए बीजेपी देश के नामी वकील हायर करेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में चुनावी लाभ लेने के लिए कांग्रेस बिना तैयारी के 27% आरक्षण लेकर आई थी, लेकिन कोर्ट से स्टे आया तो कांग्रेस के वकील ही पैरवी नहीं कर पाए। नेहरू जी ने ओबीसी समर्थन ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था और तब से लेकर लगातार कांग्रेस ओबीसी आरक्षण का विरोध करती रही। 2019 में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने जल्दबाजी में एक अध्यादेश लेकर आए और उसमें कहा कि हम 27% आरक्षण ओबीसी को करेंगे। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में जाके वो स्टे हो गया। सरकार की तरफ से उस समय कमलनाथ जी की सरकार की तरफ से कोई कोर्ट में अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए।